इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कैसे मजहब कानून तब्दीली का माहौल बनाया जा रहा है, हर रोज किसी न किसी तरीके से हम ये तमाम खबरों को इसलिए आपके सामने पेश कर रहे हैं ताकि मुल्क के संविधान के खिलाफ कुछ लोग सरगर्म हैं और वो दंदना रहे हैं जिन पर अख्तदार पजीर हुकूमतों की सरपरस्ती हासिल है। वैसे मुसलमान, दलित, ईसाई सभी को कुछ हिंदुत्ववादी निशाना बना रहे। आज कांग्रेस का ही राहुल गांधी ने भी इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदू और हिंदुत्ववादियों में क्या फर्क है, लिहाजा हुकूमतों की जेर निगरानी इंतजामिया भी कुछ कार्रवाई करने के लिए संजीदा नजर नहीं आती। तभी तो फिरका परस्तों की इतनी हिम्मत हो जाती है, क्या खुलेआम कभी दलितों को, कभी ईसाइयों को और कभी मुसलमानों को निशाना बना सके। बेलगाम में कल से अधिवेशन होने जा रहा है, इस अधिवेशन में किसी तरह मजहब तब्दीली कानून यानी धर्म परिवर्तन कानून को मंजूर करने का फैसला पहले ही किया हुआ है और इसी के पस मंजर ईसाइयों में खौफ का माहौल बनाने की पूरी कोशिश हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से की जा रही है। कभी चर्च पर हमला, कभी मुसलमानों को देश से निकालने की धमकी, तो कभी दलितों की लिंचिंग करने की वारदातों में जबरदस्त इजाफा सभी ने देखा है। जाहिर है इन पर इंतजामिया की सख्त कार्रवाई न होने की वजह से इनकी हिम्मत में इजाफा होता जा रहा है। आज फिर एक बार कोलार जिला के श्रीनिवासपुर में ईसाइयों के घर पर हमला कर इनकी किताबों को जलाया गया जिससे वो तबलीग करते थे, ऐसा उन पर इल्जाम लगाया गया। किस कदर बेखौफ हुए ये फिरका परस ऐसा सोचने पर मजबूर होती जा रही है आवाम। क्या इन पर भी कोई यूएपीए लगाया जाएगा क्या, ऐसा सवाल भी अब आवाम की जानिब से पूछा जाने लगा है। तो जवाब भी नहीं इसलिए आता है क्योंकि इख्तदार पजीर हुकूमतों का रसूख और दबाव सियासी लीडरों का इस कदर रहता है कि कार्रवाई भी आखिर सोच समझ कर करनी पड़ती है। लिहाजा कोलार में हुई इस वारदात से इतना तो जरूर समझ में आया है कि महज माहौल बनाने के लिए इस तरह की वारदातों के जरिए आवाम में डर खौफ बरकरार रहे, वरना तो कोई और मजहब के लोग रास्तों पर इस तरह गुंडागर्दी करते हुए नजर नहीं आते। लेकिन अपने आप को अक्सरियत समाज के ठेकेदार बनकर एक सियासी पार्टी को कैसे तकवियत पहुंचाई जाती है इसको महसूस जरूर किया जा सकता है। लेकिन क्या इस तरह की वारदातें हर रोज होना ठीक है? क्या इस मुल्क का अमन पसंद शहरी इन्हीं आग शोले फसाद धुएं में अपनी सुबह शाम गुजारता रहेगा? खैर, जब आपके पास हुकूमत है और आप जो चाहे कानून वैसे भी पास कर लेते हो और विपक्ष तो कमजोर है ही, और कमजोर विपक्ष भी एक तरह से लोकतंत्र कमजोर होने की निशानी होती है, तो आखिर इतना किसी समाज को हिरासा करने की क्या जरूरत है? पिछले कुछ अरसे से देखा जा रहा है कि दलितों को पानी पीने के बहाने या फिर किसी मंदिर में दाखिल होने पर बेरहमी से पीटा जाता है, तो कभी ऊंचे जात वालों के घरों के सामने से शादी की बारात ले जाने की जरूरत पर पीटा जाता है। इसके बाद मुसलमानों को कभी बीफ को लेकर तो कभी गोरक्षा के नाम पर लिंचिंग कर जान से मार दिया जाता है। मस्जिदों को निशाना बनाया गया, अब ईसाइयों को निशाना बनाते देखा जा रहा है। किसी मखसूस मजहब या धर्म जाति पर हमला नहीं है, ये संविधान पर हमला है। लिहाजा कुछ लोगों को गिरफ्तार तो किया गया है, लेकिन अक्सर गिरफ्तारी के बाद इन पर किन दफाओं के तहत कार्रवाई हुई है इस पर तवज्जो नहीं दी जाती। जरूरत है कानूनी तौर पर इन पर कार्रवाई कर सख्त सजा का मुतालबा करें, वरना हर रोज यूं ही किसी न किसी को धर्म मजहब के आड़ में फसाद बरपा कर सियासी रोटियां सेकी जाएंगी और बढ़ती नफरत की वारदातों को वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो इस संविधान की कसम खाकर कोई वजारत पर फाइज होता है तो कोई वर्दी पहनकर ऊंचे होदे पर बैठ जाता है, जबकि संविधान की कसम ये खाते हुए लेता है कि किसी धर्म जात पात का कोई फर्क न करते हुए अपना फर्ज निभाऊंगा। लेकिन सियासी पार्टियों का दबाव कहीं तो भी आता है जहां उसूल पीछे रह जाते हैं जिसे बदलने की जरूरत। मदीना वेलफेयर फाउंडेशन हमेशा सामाजिक खिदमत में पेश रहने वाले इदारे के तौर पर देखा जाता है। इनकी दौरान कोविड खिदमत तवज्जो के काबिल रही, खास तौर से मेडिकल शोबे में हमेशा ये तंजीम सरगर्म देखी जाती है। लिहाजा आज मदीना वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम रुक्मिनी नगर उर्दू स्कूल में किया गया था, जिसमें 100 के करीब लोगों ने इस ब्लड डोनेशन कैंप में शिरकत की। ब्लड डोनेशन कैंप को कामयाब करने के लिए खास तौर से जुबैर मुतवल्ली, तनवीर चौबदार, उबैद कोतवाल, इरफान सैयद, सलीम सैयद, हारून बागवान और दिगर जिम्मेदारान ने अपने खिदमात को अंजाम दिया। आज रुक्मिनी नगर के उर्दू स्कूल में मदीना फाउंडेशन से ब्लड डोनेशन का कैंप रखा गया है, तो माशाल्लाह काफ़ी तादाद में लोग भी अपना ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। नौजवान, बुज़ुर्ग, बहुत सारे लोगों ने ब्लड डोनेशन किया है और हमारे केली के डॉक्टर्स भी माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से काम को अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। रुक्मिणी नगर के सारे यंग कमेटी और कारपोरेटर मिलकर मदीना रिलीफ फाउंडेशन को बहुत अच्छा सपोर्ट किए हैं
और ये ब्लड बैंक ब्लड जो डोनेट करना था अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में यहाँ के लड़के लोग हमें सपोर्ट कर मदीना रिलीफ फाउंडेशन को हेल्प किए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 दिसंबर को हम लोगों ने मदीना फाउंडेशन की तरफ से रुक्मिणी नगर बेलगाम में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमें रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिला। लगभग मोर देन 80 लोग यहाँ पे आके ब्लड डोनेट किए हैं और अभी भी एक दो घंटे बाकी हैं तो लगभग 100 क्रॉस हो जाएंगे इंशाल्लाह। और हम इसके लिए सभी रुक्मिणी नगर के लोगों के दिल से शुक्रगुज़ार हैं और इन केस अगर आगे किसी पेशेंट को ज़रूरत ब्लड की अगर पड़ती है तो वो हमारे मदीना फाउंडेशन से रابطہ कायम कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम उनको खून के कार्ड्स देकर मदद करेंगे इंशाल्लाह। बागलकोट जिला मुधोल गांव के जनाब अब्दुल वहाब मुल्ला इन्हें बेंगलोर के इंडियन वर्चुअल यूनिवर्सिटी पीस एंड एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से डॉक्टरेट एजाज से नवाजा गया। वाजह रहे कि जनाब हाफिज अब्दुल वहाब मुल्ला मुधोल के APJ अब्दुल कलाम चैरिटेबल ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी है और पिछले कई सालों से सामाजिक खिदमत अंजाम दे रहे। खासतौर से कोरोना दौर में इंसानियत सिसक रही थी, लोगों के लिए रोजमर्रा का गुजारा करने के लिए चीजें मुहैया नहीं हो रही थी, लिहाजा इसे वक्त हाफिज अब्दुल वहाब मुल्ला ने दिन रात खिदमत अंजाम दिया। खाने के साथ कपड़े और बुनियादी जरूरतों को बिना किसी मजहब धर्म जात पात का तफरका न करते हुए पूरा करने की मुमकिन कोशिश। इनके इन्हीं खिदमात को मद्देनजर रखते हुए बेंगलोर के इंडियन वर्चुअल यूनिवर्सिटी पीस एंड एजुकेशन ट्रस्ट ने डॉक्टरेट से नवाजा। इनके एजाज मिलने पर माशरे के मुख्तलिफ शोबों से मुबारकबाद पेश की जा रही है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट तंजीम की जानिब से यौम इंसानी हुकूक के मौके पर गरीबों में खाना तकसीम किया गया। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट तंजीम के रियासती सदर जनाब मुबारक अंगड़ी ने बताया कि गरीबों के हुकूक पामाल किए जा रहे हैं, अकलियतों के हुकूक का भी पास लिहाज नहीं रखा जा रहा, लिहाजा अपने हुकूक को पहचानने की कोशिश करें। इसी पस मंजर में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे के तौर पर मनाया गया और इस मौके पर रियासती सतह पर इंसानी हुकूक बेदारी मुहिम चलाई गई, ऐसा भी मुबारक अंगड़ी ने बताया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।